जे चैनल पाई गई हो तो सब्सक्राइब और इस घंटी ने जरूर दबा दो और खबर सब तो पहला दिखावांगे माम। ठेठ हरियाणा देखने वाले सारा ने पूजा गढ़वाल की राम राम। कृषि अध्यादेश के विरोध में किसानों ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। किसानों ने प्रदेश में 20 सितंबर से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। वहीं 25 सितंबर को पूरे देश को बंद करने की घोषणा कर दी है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चंदोनी ने हिसार में भारतीय किसान संघर्ष समिति के धरने पर पहुंचकर किसानों को समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये अध्यादेश किसानों के लिए डेथ वारंट है, इसलिए किसानों को एकजुट होकर विरोध करने की ज़रूरत है। गुरनाम सिंह चंदोनी ने कहा कि 27 सितंबर को देश भर के किसानों के प्रतिनिधियों को बुलाकर बैठक की जाएगी और आगे के आंदोलन की चर्चा की जाएगी। गुरनाम सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा 3 अध्यादेश लाए जा रहे हैं, वह किसानों के हित में नहीं है। इन अध्यादेशों को लेकर आज पूरे देश का किसान धरना प्रदर्शन कर रहा है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, किसान कर्जा मुक्ति को लेकर पूरे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को आंदोलन की रूपरेखा बनाकर 20 तारीख को सभी किसान रोड जाम करेंगे, वहीं 25 सितंबर को पूरा देश बंद किया जाएगा। गुरनाम सिंह चंदोनी ने कहा कि तीनों अध्यादेश जो लाए गए हैं ये देश की गुलामी के वारंट है, खेती के डेथ वारंट है। इससे मंडियां 100% ख़त्म होंगी, इससे MSP 100% ख़त्म होगा और देश में चंद लोगों का जो ढांचा खड़ा होने जा रहा है वे पूरे देश के आटा, दाल, खाद्य तेल, आलू, प्याज स्टॉक करेंगे। चंद व्यापारी पूरे देश का माल खरीदेंगे और फिर पूरा देश उनसे मोल लेकर खाएगा। धन्यवाद।